नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अभी अभी जस्ट नंबर आए हैं, बेहद शानदार नंबर आते हुए दिखे हैं और नंबर्स के बाद स्टॉक का शेयर का प्राइस जो है वो रॉकेट होता हुआ दिख रहा है। करंटली स्टॉक ऑलमोस्ट अब 9% ऊपर हो गया, जब वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी 6% ऊपर था, करंटली स्टॉक अराउंड 9% अब दिख रहा है। अब पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसा मत करना कि वीडियो आपके लिए जैसे ही अपलोड हो तुरंत जाके खरीद लो। नो डाउट नंबर अच्छे हैं, नो डाउट ये स्टॉक लेने लायक है, बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, मैं डिटेल शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक और चीज, जिनके पास है वो अभी बेचना मत, वो हम लेवल्स देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या लेवल निकल के आ रहा है। पहले मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, यानी कि डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 times कह सकते हैं आप। 84 करोड़ और 30 करोड़ में 3 times ही कह लीजिए, 90 होता तो एग्जैक्ट 3 times हो जाता, तो 30 करोड़ का प्रॉफिट 84 करोड़ होता हुआ दिख रहा है आपके लिए साल दर साल। रेवेन्यू 417 करोड़ से बढ़कर 480 करोड़ पे, तो रेवेन्यू में कोई खास बढ़त नहीं है बट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि मार्जिन डबल हो गए हैं। मार्जिन 16.75% से बढ़कर 31.07% पे आते हुए दिखे हैं, तो मार्जिन में बहुत ही तंगड़ा जंप है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 70 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, इनफैक्ट 150 करोड़ पे है, 149 करोड़ पे आपके लिए कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। एक अभी तक मैंने आई थिंक स्टॉक का नाम ही नहीं शेयर करा आप सभी के साथ, स्टॉक का नाम है साटिया इंडस्ट्रीज, SATIA इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक की बात किया तो 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, 120 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, करंटली 7% ऊपर है, 164 का हाई है 52 वीक और 101 का 52 वीक लो है, 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 0.17 यानी कि डिविडेंड यील्ड कुछ ज्यादा नहीं है, 73 रुपए की बुक वैल्यू है, तो स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1.8 times की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है आप कह सकते हैं। एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक किया जाए तो प्रॉफिट 46 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ है, कामकाजी मुनाफा 136 करोड़ के सामने 149 करोड़ है, मार्जिन 26% के सामने 30% पे है, सेल्स 521 करोड़ के सामने गिर गया है 480 करोड़ पे, तो सेल्स को छोड़कर सब कुछ ऊपर गया है। अब आ जाते हैं स्टॉक के लेवल्स के ऊपर कि अगर किसी के पास है तो क्या लेवल ध्यान में रखना है और नहीं है तो क्या फ्रेश एंट्री बनती है तो कहां पे बनती है, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं। साटिया इंडस्ट्रीज देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट निचले स्तर पे 111 रुपए करी है वहीं से स्टॉक भाग रहा है। स्टॉक में ना मतलब डिप्स आती हैं और शार्प स्पाइक आते हैं, मजा नहीं आ रहा है इस स्टॉक में, ऐसा लग रहा है कि पैसा लगता है फंसता है, एक ही साथ भागता है स्टॉक, जो रुके हुए हैं वही बना पाते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न तो यही शो कर रहा है, बट इन लेवल्स के बाद मुझे लगता है स्टॉक ऊपर में 122 तो ऑलरेडी हो गया है, तो मेरा फ्रेश एंट्री का तो मतलब नहीं बनता, बट अगर कोई और डिप मिलती है आपको 110-108 रुपए की तो वहां लेने के मौके ढूंढ सकते हैं आप, 122 रुपए का टारगेट बन सकता है, ऊपर में 130 रुपए भी विजिट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मुझे लगता है इस स्टॉक में एक छोटी रिस्क है 105 रुपए की, उसके सामने आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है 150 रुपए तक का, तो ये आपके लिए एक रिस्क वाली बात है, बट मेरे को नहीं लगता है 1200 करोड़ के मार्केट कैप में आपको पैसा लगाना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे विकल्प है वहां पे लगा सकते हैं। बाकी डेफिनेटली जिनके पास है मैं उनसे कहूंगा कि आप अभी होल्ड कीजिए इस स्टॉक में, थोड़ा और तेजी बन सकती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, इसके नंबर्स आते हुए दिखे। स्टॉक का नाम है वंडरेला हॉलीडेज, जस्ट अभी अभी नंबर आए हैं, 3.5% स्टॉक ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 64.4 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 84.5 करोड़ का हो गया है साल दर साल, रेवेन्यू 149 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ हो गए हैं, ठीक है, मार्जिन 61% से भी बढ़कर 63.3% पे आ गए हैं, कामकाजी मुनाफा 91 करोड़ की जगह 117 करोड़ पे आ गया, तो बढ़िया नंबर आते हुए दिखे और इसके तरफ 3.5% स्टॉक भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक जो अपने नंबर्स के बाद गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है वो है काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड। देखिए ये गारमेंट है, शायद आपके लिए टेक्सटाइल स्टॉक है और टेक्सटाइल स्टॉक्स में पिटाई ही पड़ रही है नंबर्स के बाद, और नंबर बेहद खराब है, 5.5% नीचे भी दिख रहा है, प्रॉफिट 36.8 करोड़ के सामने 8 करोड़ पे रह गया है, बहुत ही खराब है साल दर साल, रेवेन्यू 250 करोड़ के सामने 140 करोड़ पे रह गया है, बेकार। कामकाजी मुनाफा देखेंगे आप तो 41.9 करोड़ के सामने 14.9 करोड़ रह गया है, बेकार। मार्जिन 17% वाले 10% के भी नीचे निकल गए हैं, तो बेकार ही नंबर दिख रहे हैं हर एक पैमाने पे, कहीं से भी देख लीजिए घुमा फिरा के सब नंबर खराब है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स रिसेंटली कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले थे, सारे इंफ्रा को ही मिले थे, आज 3.5% नीचे है, नंबर्स आए हैं कंपनी के, नंबर्स की बात की जाए मार्जिन हल्के से घटे हैं,
25% के सामने 24.5% पे है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 400 करोड़ के सामने 310 करोड़ पे है, तो ठीक है, बट नंबर के चलते स्टॉक नीचे दिख रहा है। इस स्टॉक में मैंने आपके साथ 1000 रुपए में बाइंग शेयर करी थी 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि डन हो चुके हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ और किसी और नंबर्स के साथ। मार्केट की बात की जाए तो निफ्टी आपके लिए लाल निशान में दिख रहा है 100 पॉइंट्स की, सेंसेक्स आपको लाल निशान में दिख रहा है 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अब लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइनिंग का रेशियो देखा जाए तो अब डिक्लाइनिंग शेयर ज्यादा हुए हैं, एडवांस कम रह गए हैं। देखते हैं बाजार किधर एंड होता है। तो ये मेरी तरफ से अभी के लिए अपडेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।